सो अगर आपका दिमाग जो है एक्टिव है तो आप कागज़ से हाथी, घोड़ा, चिड़िया, एरोप्लेन ऐसा कुछ भी बना सकते हो। तो ये आपके सामने एक मेंढक है, देखो कागज़ से मैंने जो है मेंढक बना दिया है। तो इसके पीछे जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये आगे बढ़ता है, देखो ये उछलता है, मेंढक उछलता है। ओ भाई मेरे हाथ पे चढ़ गया। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सिंपल सा मेंढक। है तो ये सिंपल सा लेकिन ये पूरा साइंस के ऊपर डिपेंडेड है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको मेंढक को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक स्क्वायर कागज़। इसको स्क्वायर कट कर लेना है और ये जो हिस्सा है इसको यहाँ से ऐसे बैंड कर लेना है। वापस से इसको खोलना है, वापस से यहाँ से कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। यह हिस्सा है इसको आपको साइड में रख देना है और ये जो है इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देना है कुछ इस तरीके से और वापस से इसे खोल लेना है और ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पर मोड़ देना है और वापस से इसे खोल लेना है और ये जो इसका अपोजिट है इसको यहाँ पर मोड़ देना है कुछ इस तरीके से, वापस से इसे खोल लेना है और इसको अब हमें उल्टा कर देना है और ये जो है इसको वापस से यहाँ पर टच कराना है, फिर से इसको बेंड कर देना है और वापस से खोल कर ये जो हिस्सा है यहाँ पर लाइन है उसके साथ टच कर देना है, वापस से इसे खोल लेना है कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा। तो ये जो है इसको यहाँ से ऐसे करके बेंड कर लेना है सेम दूसरी साइड भी। हो गया तो आधा काम हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। ये जो हिस्सा है ये वाला इसको लेकर यहाँ पर टच कराना है। आपको पहले थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन जब आप बनाने लगोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। दूसरे को यहाँ पर मोड़ देना और सामने वाली साइड भी सेम कर लेना है। हो गया अब वापिस से ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पर मोड़ना है कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको और ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पर इस तरीके से मोड़ देना है। तो थोड़ा थोड़ा मेंढक का जो है शेप आने लगा है लेकिन अभी हमारा काम जो है पूरा नहीं हुआ है। ये जो पीछे है इसको लेकर यहाँ पर ऐसे कर देना है। ओके तो ये से जो है अच्छा अच्छी तरीके से नहीं बैठा है तो ये जो इसके अंदर जो है जगह है थोड़ी सी जगह है इसको उसके अंदर डाल देना है। तो ये इसके अंदर फिक्स हो गया है। लग तो रहा है मेंढक ही लेकिन ये जो है उछलेगा नहीं, देखो बिल्कुल भी उछलने वाला है नहीं। तो इसको हमें सबसे पहले स्प्रिंग बनानी पड़ेगी। तो इसको यहाँ पर ऐसे बैंड करना है ऐसे। हो गया और दूसरी बार इसको लेकर कुछ ऐसे बैंड हो गया है हमारा मेंढक। ये जो है स्प्रिंग का काम करेगी, इसकी मदद से हमारा मेंढक उछलेगा। तो हमारा मेंढक अब जो है पूरी तरीके से रेडी है।